2007 में हमारे दोस्त इरफान मामू ने मेरे को बीएसपी में विधानसभा अध्यक्ष बनाए थे। वहाँ से मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ। लोग जो है तो एमएम पार्टी के पीछे थे, तो हमने भी एमएम ला ली। आप हमको मौका देके देखिए, उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो बोलना, क्योंकि हमको तो काम की जुस्तजु पहले से है। और जब दो राष्ट्रवादी हो सकती, दो सेना हो सकती, तो एमएम क्यों नहीं हो सकती? ये सियासत का खेल है, कोई दीन का काम थोड़ी है। जो आखिरत में अजर मिलेगा या इसके खिलाफ में काम करे तो हम मुनाफिक हो जाएंगे। तो तरीक़ा है कि वो स्टेज पे अल्लाह, रसूल, दीन, हदीस, कुरान लाते हैं, तो नौजवान बच्चे ये समझते हैं कि दीन का काम कर रहे हैं। उनके जो है तो मेराज जाफ़र हुसैन ने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 15 में जो है तो ये कहा था कि जो एमआईएम से नाराज पढ़ के मजलिस में आ जाए, जिसका मैं खुद कंप्लेनर हूँ जिनसी पोलिशन में, तो वो प्रचार छोड़ के भाग गए थे मैदान छोड़ के। तो हम गलत के विरोध में हैं, और कायदे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और इस्लाम से और दीन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मगर ये ख़ुद के मफाद के वास्ते कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूल ला के आते हैं हमेशा से। बिल्कुल, चलिए ये बात तो इन्होंने सही कही है कि जो सियासी मंच होता है वहाँ पर जो है तो दीन की बातें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो सियासी मंच है। और आपको अगर प्रचार करना है तो आप इस तरीके से प्रचार करिए जैसे सिटी का डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों को पिछड़ा किया जा रहा है, इसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। ईसा यासीन से अपन हम और बात करेंगे, दूसरे बहुत सारे मुद्दे हमारे पास में। अभी एक मुद्दा ऐसा है यासीन जी हमारे पास में कि जैसे अभी पूर्व के अंदर बताया जा रहा है कि 80,000 के करीब लोकसभा में जो है तो इम्तियाज़ जलील को वोट मिले थे, और इम्तियाज़ जलील चाहते हैं कि मैं वहाँ से खड़ा रहूँ, और नांदेड़ के जो अपने जो पूर्व विधायक थे उनकी जो है तो एक डेथ हो चुकी है उनकी, तो वहाँ से भी जो है तो अभी लोकसभा होने वाला है, तो दोनों तरफ से उन्होंने खड़े होने वाले हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरा बोलना यह है कि ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है। लोग इनसे इतने नाराज़ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इनका जो ग्रुप था, ये इन्होंने ग्रुप के भी काम नहीं किए। हमारे और तुम्हारे तो छोड़ दो, ये जबकि पूरे ज़िले के राजा थे, तो इन्होंने तो इतना डेवलप करना था जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर इन्होंने खुद का डेवलप करे। अगर मैं भी चुन के आया तो मैं भी फ़ायदा करूँगा खुद का, मगर कौम का फ़ायदा करना ज़रूरी है, क्योंकि कौम ने तुमको चुन के दी। इनके साथ के ग्रुप का पूरा ग्रुप फूट गया, जिसने इनको चुना के लाए थे वो आज इनके साथ नहीं है। इनकी सबसे बड़ी हार की वजह ये है। और ये जब नांदेड़ से लड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे कांग्रेस जो है तो चुन के आई थी, तो पक्के में जो है तो अब की बार बीजेपी आ जाएंगी ये अगर जाते हैं तो। इतनी गारंटी से कैसे बता सकते हैं आप? ये मुस्लिम वोट खा लेंगे, सेकुलर वोट खा लेंगे, और जो है तो बीजेपी वन साइड निकल जाएंगे चिखली करके सीट। ऐसा भी तो हो सकता ना कि अगर मुस्लिम वोट और दूसरे और कोई समाज इनके साथ में जुड़ता है तो हो सकता है इम्तियाज़ जलील दोबारा खासदार। तो ये किसी समाज के वफादार नहीं होते ना, इनके साथ जो है तो वंचित समाज जुड़ा था, इनको एमपी बनाए थे, तो उनकी पीठ में खंजर घोंपा इन्होंने, तो इनको अब कोई समाज साथ देने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सिर्फ सिंगल एक समाज के वोटों पे चुन के आए, दूसरे समाज के वोट लगते ही उनको। जी चलिए, अगर आपकी बात की जाए, आपके पार्टी की अगर बात की जाए, तो आपकी पार्टी क्या समाज कार्य करती है? जैसे अभी तो औरंगाबाद में इतना वर्चस्व नहीं नज़र आ रहा है उनका, हैदराबाद में क्या उनका काम है? वो पार्टी 2019 में रजिस्टर्ड हुई हुई है, और जो है तो उनके काम अभी ऐसे नहीं है कि कुछ गिना सके, अभी वो स्टैंड हुई है, मगर वो जो उनकी आइडियोलॉजी है मुझे पसंद आई, इसलिए मैं उनसे जुड़ गया। क्या आइडियोलॉजी है थोड़ा बताइए हमारे दर्शक? वो विकास के कामों की बात करते हैं, वो ना अल्लाह रसूल लाते हैं बीच में, ना कुछ लाते हैं, हर समाज को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। उन्होंने दलितों को भी अभी टिकट दिया है, ओबीसी को भी दिया है। लगभग कितने महाराष्ट्र में 228 अभी तो कल मेरे सामने उनके 21 फॉर्म तो चले गए। ओके, हाँ अभी उन्होंने और उनकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएंगी उनके ऑफिशियल पेज पे, मेरे सामने कल 21 लोगों ने फॉर्म ले गए। औरंगाबाद जिले में सिर्फ आप दो ही है, जैसे नदीम राणा का भी हम वीडियो देख रहे हैं, नाम आ रहा है उनका सामने, तो आप दो ही है या और औरंगाबाद जिले में आने वाले? नहीं तो उनके जो जिम्मेदार हैं यहाँ शाहबुद्दीन सौदागर, वो लोग वो डिसाइड करेंगे। मैं तो अभी उनसे जुड़ा हूँ, मुझे जो है तो मेरे कार्य देखते हुए उन्होंने मुझे टिकट दिया है, और मैं उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह खरा उतरूंगा। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी हमारे मन में उठ रहा है और हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि वही पार्टी क्यों, दूसरे बहुत सारे पार्टी थे, आप समाजवादी पार्टी का भी टिकट मांग सकते थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी में भी नहीं है, अभी सपोर्ट में शायद नहीं है मेरे ख्याल से, तो है ही नहीं। नहीं मैंने पिछली बार भी उनसे टिकट मांगा था, मगर उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया। क्या वजह लगी आपको टिकट नहीं देने?
नहीं, उनके जो है तो जुल्फ़िकार आदमी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे फॉर्म भी नहीं दिया था, बोले हमारा कैंडिडेट डिसाइड हो चुका है, और जो है तो बाद में उन्होंने कलीम कुरैशी को दिया, और वो तो बता रहे थे कि वो चुन के आएंगे, मगर कलीम कुरैशी जो है तो 5,555 ही वोट ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? ये इलेक्शन में एक तरफ दावा करते हैं बीजेपी और शिंदेगढ़ के हमारी सरकार बनेंगी, एक तरफ दावा करते हैं उद्योग सरकार शरद पवार हमारी सरकार बनेंगी, तो आपका क्या नज़रिया एक नेता? दावा तो हर पार्टी ये करती है कि हमारी सरकार बनेगी, मगर ये पूरा गेम चेंजर पब्लिक होती है। और अभी जो है तो जो बीजेपी के मामला चले, बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो अब की बार जो है तो ये नुकसान उठाने ही वाले हैं। मुसलमानों को क्या मैसेज है? मेरे मुसलमानों से ये मैसेज है कि पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार को भी देखे, उसके काम को भी देखे और फैसला ले, क्योंकि इनका वोट बहुत कीमती होता है। आप फॉर्म भरने कब जा रहे हैं? मैं 22 से शुरू हो रहा है, उसके बाद मैं फॉर्म लेने के बाद एक दो दिन में भर दूंगा। अच्छा, जब फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा रैली वगैरह निकालने वाले हैं या दो पांच जने जाके फॉर्म भर के आएंगे? नहीं, निकालेंगे ना, रैली वो निकालेंगे। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो पूरा इलेक्शन के जैसा इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा कोई डमी इलेक्शन नहीं लड़ते हम कि बस फॉर्म डाले और भाग गए और ना प्रोग्राम ले रहे ना कुछ कर रहे, क्योंकि हमको चुन के आना है कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात भी जो है तो जनता के बीच में कि ईसा यासीन जो है तो बीजेपी को जिताने के लिए खड़े होते हैं, MIM को हराने के लिए खड़े होते हैं। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, गफ्फार खादरी ने 19 में 80,036 वोट लिए और मैंने 2,500 लिया, तो कौम के वोट किसने ज़्यादा ख़राब किया? कौम के वोट किसने ज़्यादा ख़राब किया? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी उनकी वजह से चुन के आ रही, ना कि हमारी वजह से। और ये इनको सियासत की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना पैसा है उसको कोई नुकसान नहीं होना बोल के सियासी बैनर लगाते हैं और जो है तो खुद का प्रोटेक्शन करते हैं, इनको कौम की कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी नज़र आती है कि जब रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट आने के बाद में दूसरे दिन जब पूरी लिस्ट आती है कि किसने कितने वोट लिए, अगर जो मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन जो अपक्ष में खड़े होते हैं तो उनकी अगर वोट गिनते हैं, जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम खड़े होते हैं सिर्फ, तो उनकी अगर वोट मिलाते हैं तो गफ्फार खादरी शोर निकलने वाले है ना। गैर मुस्लिम भी लड़ते हैं, ये चीज़ है ना, गैर मुस्लिम भी लड़ते हैं ना। गैर मुस्लिम भी लड़ते हैं, एक कोई कैंडिडेट थोड़ी होता है कि खाली सिंगल अतुल सावे थे, 34 उम्मीदवार थे भाई, जिसका जो काम है। अब मैं जो है तो 2007 से एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ना, मेरा हक है। बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता। अब मैं जब सियासत कर रहा हूँ 24 घंटे, मैं लोगों को खिदमत कर रहा हूँ, तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ना, मैं किसी को जो है तो पीछे नारे थोड़ी मारूंगा, मैं सियासी मजदूर थोड़ी हूँ। प्रचार किस तरीके से शुरू करने वाले? प्रचार तो हमारा 5 साल चलता है साहब, हमारा काम ही हमारा प्रचार है, हम लोगों के घरों तक जाके काम करते हैं, वही हमारा प्रचार है। जी जी। अभी इस बार लेकिन शिंदे सरकार ने जो है तो लाडली बहन का जो योजना निकाली थी, तो उससे क्या लगता है आपको, थोड़ी मजबूती मिलेगी शिंदे? आपने सोशल मीडिया पे कुछ देखे होंगे कि जो औरत 50,000 अपने शोहर की तनख्वाह लेके उसका नहीं सुनती, तो 1500 लेके क्या सुनेंगी शिंदे सरकार का। जी बिल्कुल। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे औरंगाबाद पूर्व विधानसभा इलेक्शन के जो है तो उम्मीदवार ईसा यासीन, और आखिर में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और सच्ची बात कही है कि संविधान ने सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है, बंदा कहीं से भी और किसी भी पार्टी से या अपक्ष इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, मैं पूरी जनता को और मेरे जो दर्शक हैं उनको बता रहा हूँ, आप जब भी वोट डालने के लिए जाएंगे तो एक बात जहन में ज़रूर रखें, हमें जातिवाद पे वोट नहीं देना है, हमें सेकुलर बंदे को देखना है। अब वो कौन है आप लोग समझिए, आप लोग वोटर्स हैं, चुनकर लेकर आइए। मैं हूँ असगर अली, आप देख रहे मेरा चैनल आप तक डिजिटल।